कहते हैं ना, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। आखिरकार पाकिस्तान के ऊपर और तालिबान के ऊपर दुनिया टूट पड़ी है और 30 से 40 दिनों के भीतर आपको तालिबान का किला ढहता हुआ दिखेगा। और इन सब के पीछे मुख्य रूप से कौन खड़ा है? तो वहीं जब जंग होगी भारत और चीन के बीच, तब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में चीन का एक हथियार आएगा। वो हथियार भारत के सैनिकों के हथियारों का रियल टाइम डेटा चीनी सेना को देगा, जिसे रोकने के लिए रूस ने दिया बड़ा हथियार। क्या भारत बनेगा वो पहला देश जिसके पास ये हथियार होगा? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इमरान खान इन दिनों दुनिया के हर मंच का इस्तेमाल कर रहा है तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए। एससीओ में भी यही कोशिश किया कि तालिबान को मान्यता मिल जाए। इमरान खान ने कहा कि बड़े अच्छे ढंग से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, बड़े पैमाने पर शरणार्थी भागे नहीं, तो अब हमें चाहिए कि उसकी मदद करें, उसको पैसे दें ताकि वो स्थिर सरकार बना सके। लेकिन इसके विपरीत दुनिया अब टूट पड़ी है, न सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बल्कि तालिबान के ऊपर भी। पाकिस्तान के ऊपर जहां यूरोपीय यूनियन में एक प्रस्ताव आया जिसमें पनसीर मामले को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर जांच उठने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ एक्शन में आया फाइव आईज कंट्री। फाइव आईज कंट्री ने अब पाकिस्तान को तोड़ने का पूरा मन बना लिया है, जिसका पहला उदाहरण देखने को मिला न्यूजीलैंड की पीएम ने मैच शुरू होने से एक घंटे पहले अपने टीम को वापस बुला लिया। ये था पाकिस्तान के क्रिकेट को कुचलना और पाकिस्तान की छवि को पूरी दुनिया के सामने लाना। जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं शोएब अख्तर, उन्होंने इस बात को कहा भी कि न्यूजीलैंड ने जो लास्ट मिनट में ये डिसीजन लिया है, इसने पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। तो वहीं जो गृह मंत्री है शेख राशिद, उसने कहा इसमें जरूर किसी विदेशी का हाथ है, संभवतः वो भारत की तरफ इशारा करना चाहता था कि भारत ने ऐसा करवाया है। लेकिन ये झटके कम थे कि अब आपको बता दें इंग्लैंड भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। और ये सारे देश ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब सुरक्षित जगह नहीं रह गया है, ऐसे में हम वहां अपने खिलाड़ियों को नहीं भेज सकते हैं। ये है कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान की छवि पूरी दुनिया में खराब करना। ये कूटनीतिक वार है जो पाकिस्तान के ऊपर पहला हुआ, तो वहीं दूसरा सैन्य वार और आर्थिक वार की तैयारी चल रही है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच में, और उन्होंने तबाही को सुनिश्चित कर दिया है तालिबान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। कुछ इसी तरह की प्लान की गई है कि मात्र 30 से 40 दिनों के अंदर आपको तालिबान का किला पूरी तरीके से ढहता हुआ दिखाई देगा। जानेंगे आखिर अमेरिका ने क्या फैसला लिया है, लेकिन उससे पहले ये जान ले कि रूस और भारत के बीच एक बहुत बड़ी डील हो रही है, जिसका खुलासा रूस के प्रधानमंत्री ने किया है। और रूसी प्रधानमंत्री का ये कहना है कि भारत पहला खरीदार बनेगा रूस के खास हथियार का। रूस के लड़ाकू विमान भले ही उतने अच्छे न हो, और भारत ने रूस के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया और अक्सर ये पाया है कि वो खरे नहीं उतरे हैं, जिसकी वजह से भारत ने लड़ाकू विमानों के मामले में रूस को छोड़कर फ्रांस का रुख करना सही समझा है। पर रूस के पास एक चीज बहुत अच्छी है, और वो चीज है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। S-400 के बाद S-500 पूरा गेम चेंजर है। दरअसल S-500 वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 400 से 600 किलोमीटर रेंज तक में आने वाले किसी भी मिसाइल, किसी भी सिस्टम को मारकर गिरा सकता है। अब इसे इसलिए भी खास बताया जा रहा है क्योंकि जंग के दौरान अब जंग का रूप बदल चुका है, दुनिया भर के देश सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पनसीर में भी जो नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की पोजीशंस थी, वो सैटेलाइट के जरिए कथित तौर पर चीन पाकिस्तान को दे रहा था, और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा था पनसीर के लड़ाकों के खिलाफ। तो ऐसा ही अब आने वाले समय में भी होगा जब भारत और चीन के बीच जंग हो। वैसे इसका नमूना कारगिल युद्ध में देखने को मिला है, जब भारत ने रियल टाइम डेटा मांगा था अमेरिका से, पर अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान का पिछलग्गू होने की वजह से रियल टाइम डेटा देने से मना कर दिया था। हालांकि भारत इस युद्ध को जीत गया था, लेकिन
भारत को तब से ही ये समझ में आ गया था कि रियल टाइम डेटा और सैटेलाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वक्त भारत की पोजीशन सैटेलाइट्स के मामले में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका के साथ लेमोआ, बेका, कोमकासा जैसे एग्रीमेंट किए ताकि उसे रियल टाइम डेटा मिले। लेकिन दुश्मन के सैटेलाइट को मार कर गिराना जंग के क्षेत्र में बेहद कारगर होगा, जिससे कि उसे भी डेटा न मिले आपकी। और इसके लिए अब तैयार दिख रहा है भारत, क्योंकि रूसी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से खुलासा किया है कि भारत रूस से S-400 खरीद सकता है और भारत ने ऐसा इंटरेस्ट दिखाया है, भारत पहला ग्राहक बन सकता है S-500 का। अब ये S-500 400 से 600 किलोमीटर तक के रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलें हो या फिर रूस तो यहाँ तक दावा करता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल ही क्यों न हो, उन सब को मारकर गिरा सकता है। अब रूस का दावा ये भी है कि ये सैटेलाइट्स को भी मारकर गिरा सकता है, क्योंकि जो पृथ्वी के पास में सैटेलाइट से वही रियल टाइम डेटा भेजती हैं और इनको उड़ाने की रेंज बिल्कुल इसके नजदीक आ रही है। साथ में S-500 में लगने वाला मिसाइल बेहद कारगर है, बेहद शक्तिशाली है, इसलिए भारत S-500 को खरीदेगा। और भारत S-500 को खरीदेगा तो इस रीजन में पहली बार भारत के पास S-500 आ चुका होगा। S-400 इस साल के अंत तक आएगा और S-500 के आने के बाद भारत शक्तिशाली बन जाएगा जंग के मामले में। वैसे आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया गया है भारत की तरफ से, लेकिन रूसी प्रधानमंत्री का ये कहना दो चीजों की तरफ इशारा करता है, एक या तो भारत इसे खरीद रहा है, नहीं तो दूसरा मार्केट में भारत के नाम पर एक हलचल पैदा करना चाहता है रूस। लेकिन भारत ऐसा खरीदना चाहेगा ये ही सच्चाई हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े पोजीशन पे बैठा आदमी इतनी बड़ी झूठ नहीं बोल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ लाख इमरान खान के मदद मांगने के बावजूद अमेरिका ने अफगान केंद्रीय बैंक में जमा $700 अरब पर रोक तो लगा ही दी है। IMF और विश्व बैंक ने कर्जा देने से मना कर दिया है, क्योंकि अब तालिबान को तोड़ने की बात चल रही है। वहीं वैश्विक आतंक वित्त पोषण निगरानी निकाय यानी कि वहीं FATF ने अपने 39 सदस्य देशों को तालिबान की संपत्ति फ्रीज करने का निर्देश दे दिया है। अब हालात ये हो गए हैं कि आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से बंद हो गई है, आतंकियों का गुजारा मुश्किल हो रहा है और मुद्रा की कीमत गिरती जा रही है। इस बीच चीन और पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर ले, पर इन सब के बीच अमेरिकी संसद में एक और बिल पेश हुआ है और इसमें तालिबान को आतंकी संगठन का दर्जा देने का प्रस्ताव है। मतलब पूरी तरीके से तालिबान को तोड़ने की चल रहा है काम। वैसे आपको क्या लगता है, IMF, FATF और अमेरिका ने जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।